गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। मगहर कबीर जी से किस प्रकार जुड़ा है? क्या कबीर जी की मृत्यु हुई थी? इस भ्रम का निवारण करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने बहुत सी कथाएं सुनाई, बहुत से प्रवचन किए, वाणी सुनाई, पर नहीं हमारे गले उतरी नहीं। एक मगर राज्य का एक बिजली खान नाम का पठान था, वहां का नवाब था वो। एक समय क्या हुआ कि मगर क्षेत्र में सूखा गिर गया, अकाल गिर गया। उन्होंने, क्योंकि वहां मगर नगर है एक छोटा सा, पहले बस्ती जिला था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से 25 किलोमीटर उरली साइड में बस्ती की तरफ आती। अब उसके नाम ही संत कबीर नगर जिला रख दिया गया है। एक छोटा सा नगर है, मगर नगर है छोटा सा, जैसे बरवाले से भी छोटा। तो वहां सूखा गिर गया, उसमें हिंदू भी इतने ही, मुसलमान भी बराबर की, दोनों आधी आधी आबादी है उनकी संख्या। तो सभी हिंदुओं ने अपने गुरुओं, ब्राह्मणों और सभी संतों और ये पत्रा वत्रा देखने वाले, इन सब से, भविष्य वक्ताओं से भी पूछ लिया। सभी ने बताया कि 2 वर्ष तक इस क्षेत्र में वर्षा का कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। तो सभी जंतर मंतर करके सब थक गए, हाहाकार मच गई। तो किसी व्यक्ति ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, वो चाहे तो आपका संकट निवारण कर सकते। अब बिजली खां पठान ने 2 दूत भेजे, अपने सैनिक भेजे, कहां काशी के अंदर। और वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक हिंदू राजा था, नरेश, वो काशी का राजा था, नरेश था। और सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था, उस दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत ये छोटे छोटे राजा और ये सभी नवाब उसी के अंतर्गत आते थे। तो नरेश जो था वो उस काशी का जो राजा था, काशी अक्षेत्र का, तो वो भी परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ चुका था। जब वो दोनों सैनिक संदेश वाहक बिजली खां पठान का एक पत्र लेकर के वीर देव सिंह बघेल के पास गए, उसमें लिखा था कि हमारे यहाँ बहुत बुरा अकाल गिर गया है, तराही तराही मच गई है, और मैंने सुना है कोई कबीर नाम के कोई संत हैं, कृपा उनको हमारे यहाँ भेजें, और हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही। वीर देव सिंह बघेल ने पत्र लिखा और उसमें कहा कि बिजली खां, इतने बड़े संकट से जूझ रहे हो और संत को बाई ऑर्डर बुला रहे हो, अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, आप आओ। अगर वो रजा नहीं बख्शेंगे, बाई ऑर्डर बुलाए हुए, आप स्वयं आओ। राजा प्रजा का पिता होता है, उसके दुख से खुद भी दुखी होना चाहिए, आप आइए और स्वयं प्रार्थना कीजिए, अगर वो खुश होकर जाएंगे तो तुम्हारा काम बनेगा। बाकी संत परम हैं, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह उतरे हैं। और उनको मौखिक भी समझा दिया दोनों सैनिकों को कि जाके आपके राजा को ऐसे, नवाब को ऐसे बोल दो। उन्होंने आकर के बताया जी ऐसे ऐसे बात है, बिजली खां पठान सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक, वो साथ लेकर के चला। और वहाँ पहुँचा कबीर परमेश्वर की कुटिया के पास, दोनों वो नवाब भी और नरेश भी, और नरेश वीर सिंह बघेल तो उनका शिष्य था, दंडवत प्रणाम किया। अब बिजली खां पठान था,
इनका एक विधान है कि हम शीश नहीं झुकाया करते अल्लाह के सिवा। वो खड़ा रहा, फिर भी मालिक तो अपने बच्चों को शरण में लेने के लिए सोशल सीधर करते हैं। अब क्या हुआ, फिर उन्हें बताया भी कैसे आना हुआ। परमात्मा ने पूछा कि कैसे आई दो दो नवाब, दो दो राजा गरीब की झोंपड़ी पर। तो बिजली वीर सिंह ने कहा, बिजली खां सुना दे अपनी दास्तां। तो बिजली खां पठान ने कहा, भगवान बहुत तराई तराई हो रही है महाराज, सूखा पड़ गया है, आप रजा बख्शो। परमात्मा बोले, भाई चलो जैसी मेरी भगवान सुनेगा मैं भी अपनी अर्ज करूँगा। अगर ऐसा कोई दुख है तो मैं अवश्य चलूँगा और अर्ज करूँगा, भगवान ने सुन ली तो। अब परमात्मा को घोड़े पर बैठा करके लाया गया। आगे क्या देखा कि गोरखपुर जो है, वहाँ एक टीला है गोरखनाथ जी का, और इन संतों में एक खासियत होती है कि वो इस बात से, अब जैसे शरीर छोड़ गया संत, अब इनकी मुक्ति तो होती नहीं, ये यही धक्के खाते रहते हैं, कोई पितर बन गया, कोई भूत प्रेत रूप में। और जो पितर टाइप हो जाते हैं वो शरीर अपना अन्य शरीर, जो अच्छी कुछ थोड़ी बहुत भक्ति पूर्व जन्म की या वेदों तक की साधना कर लेते हैं, वो कभी भी शरीर में प्रकट हो जाते हैं, दिखाई भी दे जाते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो गोरखनाथ ने सोचा, अकाल तो ये गिरना ही गिरना है, यदि कोई संत आया और यहाँ आकर के उसने कोई जंतर मंत्र करके कोई थोड़ा बहुत छड़का छड़का करवा दिया तो तेरी महिमा कम हो जाएगी। अब गोरखनाथ एक तालाब, एक सूखी तलैया थी, छोटी सी जोड़ी खेतों में होती है, थोड़ा सा पानी आ जाए, वर्षा हो जाए तो उसमें 5-4 महीने का जल उसमें भर जाता है, थोड़ा ही होता है वो क्षेत्र, छोटी तलैया, उस सूखी पड़ी थी, उसके किनारे वृक्ष के नीचे अपना वो त्रिशूल गाड के बैठा, ऐसे आसन पदम लगा के। परमात्मा ने गोरखनाथ को देखा, अरे साधु महात्मा आए हैं, बिजली खा रोको, घोड़े को रोको, रोका। कबीर साहब नीचे उतरे, प्रणाम किया, प्रणाम नाथ जी। नाथ जी बोले प्रणाम। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि वीर बिजली खां, अरे आपके नगर में देखो कितने महापुरुष बैठे हैं, ये जो चाहे सो कर सकते हैं, अर्थ करो इनसे। बिजली खां पठान ने कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे बहुत बुरा हाल हो गया, तराई तराई मच गई है, और कुछ दया करो, जल की व्यवस्था करो, वर्षा करवाओ। गोरखनाथ जी उठे, त्रिशूल उठाया, उस जोड़ी सूखी तालाब के बीच में जाकर त्रिशूल मारकर ऐसे निकाल दिया, उसमें से एक फुहारा निकला पानी का, और देखते ही देखते वह तलैया पानी की भर गई, वह जोड़ी। अब परमात्मा कबीर साहब ने कहा, देखो भाई देखो कमाल हो गया, अरे देखो ये तो खुद भगवान उतरे हैं, और आपका देखो कैसे इन्होंने पानी पानी कर दिया, वो बन गया काम आपका देखो। अब बिजली खां पठान ने कहा, महाराज जी ये तो शाम तक का भी पानी नहीं, हमारे पशु भी नहीं छिक सकते, तो अर्ज करो महाराज जी, जब इतना कर सकते हैं नाथ जी तो और भी कर देंगे कृपा। तब उसने बिजली खां पठान ने कहा, मालिक हे नाथ जी हे महाराज जी, वर्षा हो तो बात बने, इस एक तालाब से बात चलेगा नहीं काम, ये तो शाम तक के पीने पीने का भी नहीं काम बनेगा। तब नाथ जी कहते हैं कि इस क्षेत्र में 2 वर्ष तक वर्षा होने के कोई योग नहीं है, ये तो मैंने अपने कोटे से तुम्हें ये जल दिया है, इससे आगे मेरे बस की बात नहीं है, और कोई और हो तो खोज लो उसको। अब बिजली खां पठान ने कहा परमात्मा कबीर साहब से कि महाराज जी ये संत जी आप दया करो, इससे तो बात बनेगी नहीं। तो जहाँ गोरखनाथ बैठे थे उससे 100-200 फुट पर, उधर जंगल वन बहुत होते थे, उसमें वृक्ष बहुत होते, 100-200 फुट की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे परमात्मा बोले, भाई मैं यहाँ बैठता हूँ और परमात्मा में धुन लगाता हूँ और अर्ज करता हूँ भगवान से, और आप अपने घर जाओ, मेरी अर्ज सुनेंगे तो वर्षा हो ही जाएगी। अब वीर सिंह वो बिजली खां पठान और सभी जो भी उनके साथ थे अपने नगर की तरफ चल पड़े।
मगहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है। ये दास उसको देख कर आया है। बहुत से बच्चों के साथ हमारे भक्त भी गए थे, तो वहाँ बैठ गए। कबीर साहब ऐसे कहते हैं, लाल प्रगट नहीं हुआ करते हैं, ऐसे भोले से बनकर जैसे भगवान से अर्ज कर रहे हैं, धुन लगा रखी है, धुन भगवान में धुन लगाई, और मुश्किल से वो आधा किलोमीटर गए होंगे बिजली खां पठान और उसके सारे सैनिक से। इतनी जबरदस्त घटा उमड़ का आई और मूसलधार वर्षा होने लगी। बोल सतगुरु देव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। कर दिया सब एक कम एक, सारे तालाब भर दिए, ठाठम ठाठ कर दिए। अब बिजली खां पठान सारा नगर उठ के आ गया। अरे गोरखनाथ तब आ गया जब यो तो तेरी बेइज्जती और क्रेडी होगी, कहीं नूना पता लग जा मैं गोरखनाथ हूँ। अब वापस आ गए सारे उमड़ के, आध घंटा वर्षा हुई, इन्हों जबरदस्त एक कम एक कर दिया, भर दिए सब तालाब तलैया, बड़े बड़े तालाब भी भर दिए। तब सभी आगे कि महाराज ने ऐसे महारा महापुरुष आए हैं, चरणों में पड़ गए, कहा भगवान घर चलो, हमारे घर चलो, वहाँ नगर में चलो। परमात्मा बोले, भाई नगर में ऐसे नहीं जाया करता मैं, पहले मेरे शिष्य बनो, हिंदू और मुसलमान दोनों दीक्षा लो, जैसे मैं साधना बताऊँ ऐसे साधना करो तो मैं चालू। अब जीवन दान मिला सैकड़ों व्यक्तियों को, छोटे नगर होया गांव होया करते थे पहले, सब ने वो कहने लगे जी जो आप कहोगे हम वही करेंगे। तो परमात्मा ने कहा, भाई ये मांस मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं है, और मांस नहीं खाना ठीक है, भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, अच्छे काम करो, मांस खाना छोड़ दो मुसलमानों। तो उन्होंने कहा जी जैसे आप कहोगे ऐसे कर लेंगे। तो उन्होंने ईद बकरीद मनाना प्रतिबंध कर दिया, मांस नहीं खाया, बाकी एक ईद बकरी वाले दिन खीर ख्यार बना के खान लग गए अपने। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने केवल अपनी समर्थता दिखानी थी। जब नगर में गए, एक व्यक्ति था जुलाहा, उसके संतान नहीं थी, और उसने अर्ज करी भगवान से, हे परमात्मा एक संतान हो जा दास के, और मेरा भी वंश चले। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति कर ले। कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लख नाती, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती। और उस रावण का दीवान वाती, आप तो एक संतान प्राप्त करने की इच्छा करते हो, और रावण के 1 लाख पुत्र थे, आज उसका कोई ज्योति दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा, कैसे लोक में क्या मांग रहे हो मेरे से, मोक्ष मांगो भाई। पर इतनी बुद्धि हमारा काम नहीं करती जितनी, फिर परमात्मा का आना जाना बन गया वहां पर अपने भक्तों को संभालने के लिए। तो एक मुसलमान जुलाहा था, उसके संतान नहीं थी, और बार बार जब भी भगवान जाते थे यही अर्ज करता था। तो परमात्मा ने कहा ले वे ठीक है, तू यही मांगता है तो 10वें महीने तेरे घर एक संतान एक पुत्र आएगा। ऐसा ही हुआ। ये दास वहाँ गया था बहुत से भक्तों को साथ लेकर के, तब वहाँ जो मगर के अंदर बताऊंगा आगे चल के, उसी के लिए कथा बनाई जा रही है। तो वहाँ एक व्यक्ति मिला था जो परमात्मा की वहाँ यादगार के ऊपर वो बैठा था, वो कह रहा था हमारी जो पीढ़ी चल रही है वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से चली है, हम कबीर साहब के आशीर्वाद से हमारे दादाजी का जन्म हुआ था, और उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर कर्म। मगर के अंदर एक मोहल्ला कबीर कर्म नाम का है, कबीर कर्म माने कबीर जी के रहम से बसा हुआ एक मोहल्ला, उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर कर्म।
तो कह रहा था हमारा मोहल्ला कबीर कर्म नाम से जाना जाता है और हम उसी उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा आदुवंश चला हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इस एक कथा से आपको कितना पता चला कि मासा घटे ना तेल बधे वेदना लिखे जो लेख और सच्चा सतगुरु मेट कर वो परमार दे वेख। अब 60-65 वर्ष का वो जुलाहा हो चुका था, 70 वर्ष 65 से भी ऊपर उम्र हो गई थी, उनको संतान दे दी और 2 वर्ष तक उस क्षेत्र में अकाल गिरना था, कोई वर्षा नहीं होनी थी, वहाँ वर्षा दी। ये वो समर्थ परमात्मा है जो सतगुरु जो चाह वैसो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। चित्रगुप्त के कागज धर्मराज के लेख मिटा दूं, परमात्मा कहते हैं लिखे हुए को काट कर धर दूंगा और अपना लिख दूंगा उसके ऊपर, वो करके दिखा दाता ने। तो बिजली खां पठान और वहाँ हिंदू और मुसलमान सभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य बन गए, काफ़ी वर्षों तक बड़ी श्रद्धा से लगे रहे। अब एक दिन परमात्मा ने जब सब लोग जाना था, अपना काम पूरा कर लिया था, अमृतवाणी बोल कर धर्मदास जी से लिखवा दी थी, तो उन्होंने कहा भी मैं काशी के पंडितों, आप ये कहते हो कि जो काशी में जो बना उसमें काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, मगर मरेगा वो गधा बनता है, नरक जाता है। मैं मगर में शरीर त्यागूंगा और अपने सारे जंतर मंत्र ये पोथी पत्रे साथ ले लो और सारे आप अपने नक्षत्र भी नोट कर लियो, इस नक्षत्र में मरा नक्षत्र में मरने वाला, इस पृथ्वी पर मरने वाला जो तुम अटकलबाजी लगाते हो कहाँ जाएगा, इस बात का सब जगह जोर शोर से प्रचार हो गया, सब में आग की तरह बात फैल गई कि कबीर जी मगर में मरने का दावा करते हैं और देखेंगे भी वहाँ गधा बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। वीर देव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य थे, उसने भी अपने सैनिक साथ ले लिए और साथ में और भी बहुत गुणे, कोई हजारों की संख्या में दर्शक काशी और आसपास के गांवों के और मगर के आसपास के गांवों के इस बात को सुनकर इकट्ठे हो गए। और परमात्मा का 120 वर्ष की आयु, लीला में आयु थी भगवान कबीर साहब की उस समय 120 वर्ष की आयु में, और बनारस से लेकर मगर लगभग 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर का अंतर है, पैदल गए थे और 3 दिन में पहुंचे। अब वहां जाकर के अब बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी के अंदर खूब तैयारी करवा दी सारी। अब जहां पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है वहां परमात्मा कबीर जी जाकर बैठ गए। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गवन करना था, सुबह उठकर कहा कि बिजली खां पठान मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा जी जल बहुत ला रखा है, कुएं से भरकर ला रखा है। तो परमात्मा ने कहा मैं कुएं के जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं तो बहती दरिया में स्नान करूंगा, मैंने शरीर छोड़ना आज। तो बिजली खां पठान और वहां के सभी जो सेवक थे हिंदू और मुसलमान सब ने करबद्ध होकर कहा भगवान यहाँ पर एक आमी नदी बहा करती थी, अब उसका आमी नदी तो है पर जल नहीं है उसके अंदर, और ये भगवान शिव के श्राप से शापित है, सूख गई है। परमात्मा बोले भाई चलो देखाओ मुझे कहाँ है वो नदी, जहाँ परमात्मा ने वो लीला की थी सतलोक गमन की, सतलोक जाने की, उससे 400-500 फुट की दूरी पर वो दरिया थी कि आओ महाराज दिखाते हैं। तो परमात्मा वहां पहुंच गए, उस दरिया के किनारे खड़ा होकर के परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने ऐसे इशारा कर दिया
जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक का सिपाही कर देता है और सभी गाड़ियां खकौट से भाग लेती हैं, ऐसे परमात्मा ने जिधर से नदी का अपस्ट्रीम था उधर से ऐसे कर दिया खड़ा होकर। क्या देखा कि बहुत सी दूरी पर ऐसी आवाज आई जैसे बम फटता है और कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उस दरिया के अंदर से ऐसा फुहारा उठा और वो दरिया भरकर चल पड़ी होल किनारे पर तबर गई। बोलो सतगुरु देव की जय हो। और देखते ही देखते हुआ किनारे को चाटने लगी फुल होगी कतई, सब नावों मुल मुल गए और पीवे पानी ऐसा जैसे कदे आज तक देखा नहीं सा मीठा पानी, क्योंकि सतलोक से भेजा भगवान ने, गंगा के पानी को भी माफ कर दे ऐसा जल उस समय बहने लगा। सब ने स्नान किया क्योंकि वहाँ तो कई हजारों की संख्या में दर्शक गए हुए थे, सब मलमल करने आए। फिर परमात्मा ने कहा कि भाई मैं एक चादर नीचे बिछाओ, एक चादर ऊपर ओढ़ूंगा और मैं यहां शरीर छोड़ूंगा। फिर परमात्मा ने देखा एक तरफ हिंदू खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं, एक तरफ वीरदेव सिंह बघेल खड़ा है काशी का नरेश हिंदू राजा, एक तरफ बिजली खां पठान खड़ा है मुसलमान नवाब, और उसके सैनिक साथ हैं, उसके भी सैनिक उनकी साइड में खड़े, और अन्य जनता भी बहुत खड़ी है मुसलमान इधर हिंदू साइड में। वो तंत्रयामी थे फिर भी उनसे पूछना चाह रहे थे कि बिजली खां पठान आपने ये शस्त्र किस लिए ले रखे हैं? वीरदेव सिंह बघेल आपकी सेना और ये तुम दोनों सेनाओं ने शस्त्र किस लिए लेकर आए हो, मुझे क्या खतरा था? तब वीर सिंह बघेल बिजली खां पठान वो तो बोल नहीं सके, अन्य जो जनता थी हिंदू और मुसलमानों में से कहने लगे गुरुदेव, हिंदू वाले कहने लगे आप हमारे गुरु हैं, हम आपका अंतिम संस्कार अपने हिंदू रीति से करेंगे, इन मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। मुसलमान कहने लगे आप हमारे पीर हो और हम आपका अंतिम संस्कार अपने अनुसार से करेंगे, अपनी रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले रे भले आदमियों, 50 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी हिंदू और मुसलमान, तुम आज भी दो बने बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर गए हैं। और पुण्यात्माओं, दास जो शब्द बतावेगा जो भी ज्ञान कहेगा 100% समझ लेना, बिल्कुल 100% सत समझ लेना। उस समय एक विशेष रूमर थी कि एक ऐसा भयंकर समय आने वाला है कि आपस में ग्रह युद्ध होगा, जनता एक दूसरे को काटेगी, कारण का पता नहीं, ऐसा वो भविष्य वक्ता बताया करते थे। ऐसी अनहोनी होगी, ऐसा जुल्म होगा और कत्लेआम होने की ऐसे लक्षण उनके पत्रों में, उनकी जो भविष्य की किताबों में वर्णन था। और काल तो ये चाहता ही है कि नाश हो जावे, इनका बुरा हाल हो, और मरते समय ऐसे संत के ऐसे हो जाए तो लोग इन्हों कहेंगे ऐसा कलमुआ था कोड नाश कराया गया, क्या एक संत था वो। तब परमात्मा ने कहा भाई बात सुन जो बच्चो, तुमने मेरी सीख पर मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। मेरा शरीर इस वैसे तो चदरों के बीच में शरीर नहीं मिलेगा, कोई अन्य वस्तु मिलेगी, उसको आधी आधी बांट लेना, एक चादर हिंदू ले लेना एक मुसलमान ले लेना, और शरीर मेरा मिले तो आधा आधा काट लेना, ये मेरा आदेश समझ लेना, पर बेटा तुम लड़ियो मत, कुछ भी कर लेना इस मिट्टी को, चाहे तो हिंदू रीति से कर लो और चाहे मुसलमान रीति से कर लो, तो मिट्टी हो चुकी है, जीव जा चुका होता है, तुम कुछ आँखें खोलो
तो तब तो वो शांत हो गए, कोई बात ना एक बार शरीर छोड़ने दो फिर देखेंगे। उनका इरादा वो यही था कि छिन्नम चपटा करेंगे, लठम लठा करेंगे, छीनेंगे पूरा सब लेंगे, आधा आधा थोड़ा काटा जाता है गुरु जी को, वो तो अंतर्यामी थे जान गए। तो नीचे एक चादर बिछाई, भक्तों ने श्रद्धा से नीचे दो दो इंच फूल बिछा दिए, सुगंधित फूल दो दो इंच गुरु जी लेटेंगे, और ऊपर से दाता ने एक चादर ओढ़ ली। दो मिनट के बाद परमात्मा ने आकाशवाणी ऊपर से कहा कि ए पंडितो, ए भविष्य वक्ताओ, अब अपना जंतर मंत्र लगाओ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। और कहा परमात्मा ने कि उठा दो पर्दा, इसमें नहीं मिलेगा मुर्दा, क्योंकि हम अविनाशी हैं। जब ऊपर उन्होंने देखा कि भगवान तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और चादर उठाई तो सब के आकार के सुगंधित फूल मिले, परमात्मा का शरीर नहीं मिला, वो तो सह शरीर सतलोक चले। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। उस समय आपस में हिंदू और मुसलमान ऐसे गले से मिलकर रोने लगे जैसे अनाथ हो गए हों और एक अनमोल वस्तु खो दी हो। उनको उस दिन समझ में आई ये भगवान थे, ये एक आम इंसान और संत नहीं थे। दोनों रो रहे हैं कि हम कितने दुष्ट हैं, एक दूसरे से गले लग कर रो रहे हैं। वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान रो रहे हैं कि हमने अनमोल रतन खो दिया और अंत समय में हमने उनकी आत्मा को दुख दिया, हम कितने नीच हैं। पुणात्माओं, यदि परमात्मा ये रजा ना बख्शते, वहाँ कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध हो जाता हिंदू और मुसलमानों का। तो ये समर्थ परमात्मा है, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज रोम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, कभी भी कोई बुरा नहीं होगा, और नेक नीति से काम करो। तो क्या किया, एक चादर हिंदुओं ने ले ली, एक चादर मुसलमानों ने, आधे आधे सुगंधित फूल दोनों ने ले लिए। मुसलमानों ने वहाँ कब्र बना दी उन फूलों और एक चादर को नीचे जमीन में गाड़ के, और हिंदुओं ने भी एक यादगार बना दी। अब दोनों ने वहाँ पर एक, मुसलमानों ने तो एक मज़ार बना रखी है मंदिर नुमासी मस्जिद की तरह मंदिर नुमा, और हिंदुओं ने एक मंदिर सा बना रखा उस जहाँ पर वो फूल परमात्मा के नीचे, परमात्मा के तो सारी पृथ्वी है। वैसे उनकी उस ब्रह्म को निवारण करने के लिए परमात्मा ने जो लीला की थी उन फूलों के ऊपर एक मड़ी सी बनाकर एक मंदिर बना रखा है, और उन दोनों में आपस में ज़्यादा से ज़्यादा 50 फुट का अंतर है। इस तरफ मुसलमानों ने बना रखे, इस तरफ हिंदुओं ने। ये दास वहाँ गया था तो वहाँ के हिंदू और मुसलमानों ने बताया कि हम आज तक कभी भी उसके बाद धर्म के नाम पर लड़े नहीं हैं, चाहे कहीं पर भी हिंदू मुसलमानों का चाहे कितना झगड़ा हो गया, हम आपस में कभी हमारा रसूख नहीं बिगड़ा। उसके बाद हम इतने नम्र हो गए, हम इतना गलानी बन गई हमारे दिल में, हम आज तक आपस में हिंदू और मुसलमान लड़े नहीं धर्म के नाम पर। एक वैसे तो कवा सुनी घर में भाई भाई की हो जाती है, वो अलग होती है, पर इस विषय में हम नहीं लड़े। तो इसके विषय में धर्मदास जी ने कहा था, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, ओज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत लोक से चल कर आए, सत लोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे
पाप कटते हैं, निर्मल होवे जी शरीर ओज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, ये शबद दूध की खीर ओज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे, हिंदू के तुम्हें देव कहाए, हिंदू के तुम्हें देव कहाए, मुसलमान के पीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर, दोनों दीन का झगड़ा छेड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छेड़ गया, टोहा ना पाया शरीर आज मोहे, धर्म दास की अरज गुसाई, धर्म दास की अरज गुसाई, बेड़ा लंगाइयो पर ले तीर अज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर अज मोहे, दियो जी कबीर। तो पुण्यात्मा, ये वो परम पिता है जो हमारे लिए भटक रहे हैं। आप इस भक्ति काल के समय के लिए ये परमात्मा अपनी छाप छोड़ गए। जो समर्थ परमात्मा किया करता है, वो उस परमेश्वर ने वो लीला की। परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र नंबर 2 में कहा है, पर यदि रोगी की आयु समाप्त हो गई हो, इतना क्षीण शरीर हो गया हो और मृत्यु को भी प्राप्त हो करके मृत्यु देवता के पास चला गया हो, तो समर्थ परमात्मा अपने भक्त को उससे भी छुटवा कर वापस ले आता है और 100 वर्ष तक का स्वस्थ जीवन उसको देकर 100 वर्ष की आयु उसको प्रदान कर देता है। बोलो सतगुरुदेव। और वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ परमात्मा कबीर जी हैं। और दास फिर कहता है कि धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपकी कीमत का आपको पता नहीं, आपकी किस्मत का आपको पता नहीं। दास को पता है क्योंकि लाल की कीमत, लाल की परख जौहरी किया करता है। जो जितना भी देरी से यहाँ आएगा, जो इंसान जो प्राणी, उसको केवल पश्चाताप ही हाथ लगेगा। इससे दास की प्रार्थना है, जितना हो सके अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, जहाँ तक भी आपकी पहुँच है, सबको प्यार से समझाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। दर्शकों, कबीर साहेब के सशरीर सतलोक जाने की यादगार आज भी मगहर यानी वर्तमान जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, जिससे यह भी स्पष्ट है कि कबीर जी की ना जन्म हुई और ना मृत्यु हुई, अर्थात कबीर जी अविनाशी परमेश्वर है। वेद भी इसी की गवाही देते हैं कि वह परमात्मा अपने निज लोक से सशरीर आता है और सशरीर वापस अपने निज धाम को चला जाता है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद आपकी कबीर साहेब को लेकर जो भी शंकाएं थीं वह समाप्त हो गई होंगी। साथ ही आपको यह भी बता दें
कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 और ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 इस बात की गवाही देता है कि जब कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर इस धरातल में शिशु रूप में सशरीर प्रकट होता है तो वह अपना तत्व ज्ञान दोहों, कविताओं, लोकोक्तियों के माध्यम से बताता फिरता है, जिससे वह एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि धारण करता है। और हम सभी जानते हैं कि कबीर साहेब को आज पूरी दुनिया एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जानती है, लेकिन वे वास्तव में परमात्मा हैं। सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।